हेलो गाइस, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं तुम सब वधिया होवोगे। सो गाइस, हाजी ना तुहाडे सामने एक नवी रिएक्शन वीडियो लैके, ते अज आपां गल करांगे सिद्धू मूसे वाले दी। एक वीडियो हैगी, एक जागीर नायक दी वीडियो, जिंदे विच गल कीती गई है कि सिद्धू मूसे वाले नूं जन्नत मिलेगी या दोजख, दोजख हुंदा नरक है ना। ते उस बारे इस वीडियो दा टाइटल है। पता नहीं इस वीडियो विच किन्नी कु सच्चाई है, किन्नी कु सच्चाई नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग। फर्स्ट टाइम तुहाडे नाल वीडियो देख रहा, देखते हैं इस वीडियो विच की सानू देखने को मिलता है। जिवें कि सानू पता है कि सिद्धू मूसे वाले दी 29 मई नूं गोलियां मार के डेथ कर दी गई सी, हत्या कर दी गई सी। बट सिद्धू मूसे वाला बंदा गीतां दे राही, अपनी लिखत दे राही, अपनी कलम दे राही अमर हो चुका है। ते काफ़ी लोग उन्होंने हुण फॉलो करन लग गए ने। हालांकि जो जिस बंदे नूं जो बंदा जिंदा सी उदों घट लोग फॉलो करते सी, बट डेथ तो बाद काफ़ी लोगों ने होर भी इन्हों फॉलो करना शुरू कर दिता है। सिद्धू मूसे वाले स्टाइल नूं, सिद्धू मूसे वाले की लिखत नूं काफ़ी लोग हुण सुनने लग गए हैं। तो जिवें कि जाकिर नायक का पता कि वह पाकिस्तान के एक फेमस स्कॉलर है ने। तो उन्होंने इस वीडियो में की कहा सिद्धू मूसे वाले के बारे, वो वीडियो आप देख रहे हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने तो पहले जो तुम फर्स्ट टाइम साढ़े चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लो, तो नाल दी नाल बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि तुहानू जो भी वीडियो आप अपलोड करिए उनके नोटिफिकेशन तुहानू अपने आप मिल जाए, तो तुसी फटाफट जाके वीडियो चैकआउट कर सको। तो आप करते हैं वीडियो स्टार्ट, देखते हैं सिद्धू मूसे वाले नू जन्नत तो जगह मिलती है या नरक विच एज पर जाकिर नायक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दीन दुनिया चैनल में आज एक अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, गुज़श्ते रोज़ होने वाले वाक़ से मुतालिक। दोस्तों, भारत में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सिख सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धूवाला को कत्ल कर दिया गया। सिद्धूवाला पंजाबी जबान के पॉपुलर सिंगर थे और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते थे। 27 साल पंजाबी सिंगर को उनके गाँव में उस वक्त कत्ल किया गया जब वो जीप पर घर से बाहर जा रहे थे। सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से हार गए थे। चंद रोज कबल उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद उनके कत्ल का वाकया पेश आया। नाज़रीन, सिद्धू के कत्ल की वजह जो भी हो, लेकिन उनकी वफ़ात पर हर मजहब हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद गमजदा हैं। उनके चाहने वाले दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, यहाँ पर बुनियादी नुक्ता जो सामने आता है वो ये है कि सिद्धू जिनका ताल्लुक सिख मजहब से था, क्या वो जन्नत में जाएंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब हम खुद तो नहीं दे सकते। इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या मौकिफ है, आइए आपको सुनवाते हैं। अब हम तस्किरा करेंगे सिख मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। सिख मजहब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिर में और इसके बानी थे गुरु नानक साहब, और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं, वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज्म, सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है और सिखिज्म, सिख मजहब आता है लफ्ज सिस्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब, और 10वें गुरु है गुरु गोविंद साहब। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मजहब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है पंचकार, केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है।
तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा का है किरपान, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत के रखना चाहिए। और पांचवा क है कचा, जिसे कहते लॉन्ग अंडर ड्रॉ। ये पांच क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है, पाठ दिगल हो रही थे, और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं, वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है, वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, माने लाफानी, नॉट अकल। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब कर्म वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहेब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहेब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिरन न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा, ये लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ करता है, लेकिन जब अल्लाह सुबहाना व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मजहब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए, और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। सो गाइस, ऐसे वीडियो जिवें कि टाइटल है वीडियो का, सिद्धू मूसे वाला जन्नत में जाएगा या मुदोजक में, उस
टाइटल उत्ते जाके नेक ने कुछ नहीं बोलिया, मतलब कि इस वीडियो का टाइटल ही मैं लगता गलत सी या फिर जो वीडियो का कंटेंट से वही गलत सी, क्योंकि जाके नायक ने इस वीडियो के टाइटल बारे या सिद्धू बारे एक वर्ड भी नहीं किया। तो मैं लगता कुछ लोग है जो कुछ भी टाइटल लेके कुछ भी वीडियो अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया से यूट्यूब से ताकि लोग वेखन, मतलब कि कुछ भी मतलब अपने व्यू लैन के चक्कर कुछ टाइटल जोड़ देंगे, कोई वीडियो कितों लैंगे, कोई वीडियो कितों लैंगे। तो इस वीडियो जाकिर नायक ने सिद्धू बारे कोई गल नहीं कही, बट सिद्धू मूसे वाला बंदा इस जहान से अमर हो चुके अपने गीतों के राही, अपने शब्दों के राही काफ़ी लोग उन्होंने सुनने लग गए ने। अस भी सुनते हैं, हम तक सुनते हैं तो सुनते रहेंगे। बाकी बंदे ने पंजाब का नाम अपने पिंड का नाम वर्ल्ड लैवल से मशहूर कर दिता है। जोड़ा बंदा कनेडा छोड़ के कनेडा की सिटीजनशिप में छोड़ के अपने पिंड आया, पिंड का नाम उच्चा किया, पिंड वसया। हालांकि कई बार एवं होंगे कि किसी सिंगर का एक या दो गाना चल जाए, एक एल्बम चल जाए, वह बंदा अपनी जो लोकेशन चेंज कर लेंदा है कि वड्डे शहर में जाने की कोशिश करता है, चंडीगढ़ या मुंबई वर्गे वड्डे शहर में जाने की कोशिश करता है। बट ये बंदा कनेडा वर्गे कंट्री में छोड़ के अपने पिंड आया, अपने पिंड का नाम उच्चा किया। हालांकि कई शो में अपने फादर साहब भी नाल गए ने इनके शो में ना, तो मतलब अपने पेरेंट्स की यह बंदा बहुत ही ज़्यादा रिस्पैक्ट करता से। जो बंदा पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करता तो वह बंदा मैं लगता है कि जन्नत में ही जाएगा, नो डाउट। मतलब उन्हें रब न खुश कर लिया, जो रब न खुश कर लिया तो आई थिंक वो जन्नत में ही जाएगा। बट जो टाइटल से वीडियो का वो टाइटल कुछ भी मतलब मैं लगता रखा गया बेबुनियाद टाइटल से, बट सिद्धू बंदा बहुत ही कैंट सी। सो गाइज ये मेरी अज की रिएक्शन वीडियो तुम्हें किमें लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्यो। तो फिलहाल आप इस वीडियो को इतने ही खत्म करते हैं, मिलते हैं एक होर नवी रिएक्शन वीडियो। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।